हाय दोस्तों, अगर मैं आपको बताना शुरू करूं कि हार्मफुल फूड्स जो हैं हमारे लिए कौन कौन से हैं, तो वो एक लंबी लिस्ट हो जाएगी और बहुत बोरिंग भी हो जाएगी। मगर आज जो मैं बताना चाह रही हूं आपको, वो सिर्फ ये कि पांच जो टॉप के फूड्स हैं जो कि आप अपनी डाइट में अगर कम कर दें तो वो आपके जो चांसेस हैं बहुत से हेल्थ इश्यूज जो हैं उसको कम करने में मदद देंगे। यानी कि अगर वो आप कम खाएंगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होगी और इस तरह बीमारी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है। दो तरह की इन्फ्लेमेशन है, एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है जो कि जब आप इंजरी होती है तो आपकी बॉडी रिपेयर करने की ये एक प्रोसेस होता है, तो वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। और जो दूसरी होती है वो जो है वो बगैर इंजरी के आपके आहिस्ता 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 इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हो रही होती है, जिसका हमें ज्यादा इल्म भी नहीं होता। और वो ऐसी चीज है जो कि डिजीज लॉन्ग पीरियड में वो हमारे अंदर बीमारियां पैदा करती है। तो बहुत से रॉन्ग फूड्स यानी खराब फूड्स जो हम खाते हैं वो इन्फ्लेमेशन को आहिस्ता 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 हमारी बॉडी में शुरू कर देते हैं और वो बीमारी जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें पकड़ लेती है। तो ये जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेमेशन क्या है और हमारे कौन कौन से फूड्स ऐसे हैं जो कि इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं और बीमारियों की वजह बनते हैं। तो सबसे पहले जो है, अब आप सोच रहे होंगे कौन सा होगा, आप बताइए। हाँ बिल्कुल, आपने सही जाना, शुगर। जी, जो चीनी है ये एक किस्म की ये कार्ब है जो कि सिंपल कार्ब्स हैं। दो तरह के होते हैं कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कॉम्प्लेक्स होते हैं और सिंपल। ये सिंपल कार्ब्स हैं और ये रिफाइंड कार्ब है, ये रिफाइंड शुगर है जिसकी बात मैं कर रही हूँ। ये जो चीनी है सफ़ेद सफ़ेद सी जो कि हम यूज़ कर रहे हैं चाय में भी, अपने जो है वो सारे ड्रिंक्स में भी, और इसके अलावा केक्स पेस्ट्री ये सारा इसमें जो है, ये हमारी आप समझिए कि सबसे बड़ी दुश्मन है। अब हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो ये इसको, आपको पता है क्या कहते हैं, वाइट पॉइजन। ये सफ़ेद जहर है जो हम मुस्तकिल खा रहे हैं और हम समझते हैं कि ओहो इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे हुहा पड़ी होती है चीनी की, जो प्राइस जब बढ़ जाती है। तो ये जो है एक चीज़ जो जिसको कम से कम खाना चाहिए, उस पर हम बहुत ज़्यादा शोर वहाँ मच रहा होता है। अब आप ये देखिए कि सिर्फ चाय में या कॉफ़ी में नहीं हम इसको यूज़ करते, बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, केक्स हैं, कुकीज़ हैं, मिठाई है, टमाटो केचप है, जैम्स, मार्मलेड, कैंडीज यानी बच्चों की जो मिठाइयां हैं छोटी छोटी, ये सारी शुगर से भरी पड़ी हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो है ये आपको, अब आप ये देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये एक कोला है, जैसे ये एक कोला जो हम अक्सर वहाँ पे जो पार्टीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, कोई शादियाँ होती हैं, ज़्यादातर जो है यहाँ पे भी बहुत लोग इसको पीते हैं। और आप इसके अंदर, इस एक टिन के अंदर इसमें कितनी शुगर है क्या आपका अंदाज़ा होगा, मगर मैं आपको यहाँ बताती हूँ, अभी गेस कीजिए। दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। आप कहेंगे बस रुक भी जाओ, मैं यहाँ रुक गई, आठ। ये देखिए, इस एक कैन के अंदर, इस एक कैन के अंदर आठ शुगर, आठ टीस्पून शुगर के हैं। अब आप ये देखिए, एक जलेबी आपने खा ली, अगर पूरे दिन में कहीं किसी के घर गए हैं, उन्होंने आपके सामने एक मीठी रख दी, मिठाई रख दी या कुछ भी रख दिया, एक जलेबी उसके अंदर चार शुगर के टीस्पून्स हैं। तो आप ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं जो सुबह को आप बच्चों को देते हैं या हम खुद भी खाते हैं, उसमें भरा पड़ा है। यू नो आई मीन, वो आपको एक इम्प्रेशन ये देते हैं, ये एड्स देते हैं बड़े अच्छे अच्छे के, स्टार्ट द डे हेल्थी वे, ये मंत्रा जो है ये आप देखेंगे कितने सारे फूड्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो जब एडवर्टाइज की जाती हैं तो कैसे वो बच्चों को और हमें जो है वो अटेम्प्ट करती हैं। तो ये आपको बहुत ख्याल करना पड़ेगा कि पूरे दिन में आप हिडन शुगर, टमाटो केचप में है, ये देखें जैम में है, ये जैसे मैंने अभी बात की कि ये इतनी चीज़ें हैं और ये सारी के सारे जो ये शुगर है, ये रिफाइंड शुगर हमारी डाइट में क्या क्या देखिए वो कर रही है, हमारे अंदर जो है वो एस्थमा को, किडनी, लिवर इश्यूज, डायबिटीज, ओबेसिटी यानी मोटापा और कैंसर, इन सब को बढ़ाने में ये बहुत बड़ी मदद करती है। ये बहुत जो है ये बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हिस्सा है इसका। तो अब ये शुगर जो है ये स्पाइक्स
अगर आप इस रिफाइंड शुगर को लेते हैं तो ये हमारे ब्लड शुगर को ये स्पाइक करती है, उसको एकदम बहुत ज़्यादा वो कर देती है, और जिसकी वजह से हमारा जो जो इंसुलिन हमारी है उसके अंदर डिसफंक्शन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस उसमें पैदा होती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो आपके इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा बढ़ाती है। अगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से बीमारियां बढ़ती हैं। तो ये आपको एक इक्वेशन, इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा कि कैसे इन्फ्लेमेशन और कैसे बीमारियां आती हैं। अच्छा, ये तो हो गई शुगर की, शुगर को मैंने बहुत ज़्यादा आपको यहाँ काफ़ी सारी डिटेल दी है। अब है रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स वो हैं जैसे कि रिफाइंड ग्रेन्स हैं, जैसे कि जो हम जो खाते हैं, गंदुम है, वाइट आटा है, वाइट राइस है, ब्रेड है, वाइट पास्ता है, फ्राइड चिप्स हैं, नूडल्स हैं, ये वाइट नूडल्स और पिज्ज़ास वगैरह। ना सिर्फ उसमें फाइबर निकाल दिया जाता है जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, बल्कि द वर्स्ट थिंग इज दैट ऑल द मिनरल्स एंड विटामिंस एंड द न्यूट्रिशियस पार्ट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, इस बीन टेकन अवे फ्रॉम दीज फूड्स। तो जो चीज़ हमें रखनी चाहिए वो हमने निकाल के बाहर कर दी, और जो कम खानी चाहिए उसको हम खूब खा रहे हैं। तो ये आपको ख्याल करना है। होल मील आटा, ब्राउन चावल, चावल भी जो है बासमती ब्राउन, जब एक दफ़ा आप आदर पड़ जाए तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं। अब तीसरी चीज़ है रिफाइंड वेजिटेबल्स। आप अगर ये देखें गुड फैट्स और बैड फैट्स, मेरा एक वीडियो मैंने जो किया उसमें आप बहुत सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन ब्रीफली मैं आपसे ये कहूँगी कि वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं, जो हम सुपरमार्केट से लेते हैं, वो जिस तरीके से बनाए जाते हैं वो जो है वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है और लॉन्ग टर्म में। और कोल्ड प्रेस्ड वर्जन जो होता है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो यूज़ करें। तो ये मैंने कहा था, लेकिन लॉन्ग पीरियड, क्योंकि अगर हम इस लॉन्ग पीरियड तक इस तरह के जो रिफाइंड ऑयल्स हैं उनको यूज़ करें तो ओमेगा 6 फैटी एसिड जो हमारी बॉडी में ज़्यादा बनते हैं और दे टेंड टू इनकरेज इन्फ्लेमेशन। तो ये हो गया, हमने बात की रिफाइंड जो फैट्स हैं। अब एक है हाइड्रोजनेटेड फैट्स, या उसको हम कहते हैं ट्रांस फैट्स। इसके बारे में भी जो है बात हुई थी, गुड फैट्स और बैड फैट्स के बारे में, के हमारा जो वीडियो था, तो उसमें यह है कि जो ये जिस प्रोसेस से बनाए जाते हैं, ये वेजिटेबल ऑयल्स को सॉलिडिफाई किया जाता है एक प्रोसेस से, जिसकी वजह से वो सॉलिड तो हो जाता है लेकिन उसके अंदर बहुत सी हेल्थ के लिए खराबियाँ आ जाती हैं, जैसे मार्जरीन है, वेजिटेबल घी है। बट इट्स नॉट ओनली देम, बट मेजॉरिटी ऑफ सुपरमार्केट फूड प्रोडक्ट्स जैसे है पैकेज्ड कन्वीनियंस फूड, जो हमें आजकल हम बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, पाइज हैं, फास्ट फूड्स हैं, पिज्ज़ाज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर जो है ये ट्रांस फैट्स और जो हाइड्रोजनेटेड कहें आप या ट्रांस फैट्स कहें वो यूज़ किए जाते हैं। तो अब चौथी चीज़ है प्रोसेस फूड्स। मेरा ख्याल है ये पांचवी चीज़ है जो प्रोसेस फूड्स है। अब ये फैक्ट्री प्रोड्यूस जो फूड्स हैं, अब जैसे बाज़ार में जो हमें मिलते हैं पैकेज मिलते हैं या हम पैकिंग के साथ लेते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत पैकिंग्स होती हैं, उसमें 80-90% दे हैव हिडन टॉक्सिन्स दैट हार्म आवर बॉडी। अब उसमें क्या क्या पड़ा है, ई नंबर्स हैं उसके अंदर, प्रिजर्वेटिव्स हैं। एक आप अगर देखें, एक बिस्किट का भी आप टिन पैकेट उठा के देखें, आप घर में बिस्किट बनाएं तो आप दो तीन चीज़ें यूज़ करते हैं, आप थोड़ा सा फैट, थोड़ी सी शुगर या थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जो है आटा यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप वही बिस्किट्स बाज़ार के आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर आप ज़रा देखिए कि क्या क्या उसके अंदर जो होंगे इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्या क्या उसमें केमिकल्स होंगे, जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे लव्स, वो ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे। तो ये इसका मतलब ये है कि उसमें इतनी एडिशन की गई है, पता नहीं क्या क्या टॉक्सिन्स डाले गए हैं जो हमारी बॉडी को अच्छे नहीं लगते, और उससे इन्फ्लेमेशन पैदा होती है क्योंकि बॉडी समझती है मुझे अटैक किया जा रहा है। सो दिस इज समथिंग, सिंपल इक्वेशन ये है कि इफ यू वॉन्ट टू स्टे इलनेस फ्री देन रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन producing foods।
ये आपको करना है। और वो फूड्स जो हैं, जो कि मैं ये नहीं कह रही कि ये फूड्स सारे के सारे आप बंद कर दें, ख़त्म कर दें, ना ना ना, मैं ये नहीं कह रही, नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेट दम, उनको आपको जो है वो थोड़ा बहुत आहिस्ता 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 आदत डालनी है। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि दीज आर द फूड्स, ऑल्दो आई एम ईटिंग इट, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली आप जो है वो उस हैबिट में पड़ जाते हैं। तो अब ये तो मैंने बताई सारी बातें, अच्छे अच्छे कौन से ऐसे हैं फूड जो कि इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। टू फाइंड आउट प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।